सनातन धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी काम शुभ माना गया है। इसी मुहूर्त में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण ये बहुत ही लोकप्रिय मुहूर्त है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। प्राचीन समय से ही हमारे ऋषि मुनियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले एक अच्छे मुहूर्त का होना बहुत ही आवश्यक है। हिंदू धर्म की माने तो हर तरह के शुभ कार्य को करने के लिए अभिजीत मुहूर्त को ध्यान में रखा जाता है। इसी शुभ मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में 12:20 पर विराजमान उन्हें कर दिया जाएगा। 22 जनवरी का दिन बेहद शुभ है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और मृग शिरा नक्षत्र है। इसके साथ ही 22 जनवरी के दिन सोमवार को 41 वर्ष के बाद हरि अर्थात विष्णु मुहूर्त भी बन रहा है। इसी कारण अयोध्या जी में इसी तिथि पर राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और उनका जन्म अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था। उसी प्रकार चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को पड़ने वाले अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इनका जन्म अभिजीत मुहूर्त में होने से ही ये मुहूर्त लोकप्रिय हुआ है। इसीलिए श्री राम और श्री कृष्ण के प्राकट्य वाले अभिजीत मुहूर्त की महत्ता हमेशा विशिष्ट है। इसीलिए अभिजीत मुहूर्त अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में किया गया हर काम शुभ फल ही प्रदान करता है। इसी वजह से सनातन धर्म में हर प्रकार से शुभ मांगलिक और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। दिन में दो दो घटी वाले 15 मुहूर्त पड़ते हैं। वैसे ही 15 मुहूर्त रात्रि में पड़ते हैं, जिनमें से अभिजीत मुहूर्त 8वां मुहूर्त है। इस प्रकार से अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य में और रात्रि के मध्य में ही निर्मित होता है। अभिजीत मुहूर्त में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम ने रावण और कंस जैसे असुरों का वध किया था, इसीलिए इसे विजय मुहूर्त भी कहा जाता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मुहूर्त की गणना करते समय दिन, तिथि, नक्षत्र, योग और दिन मान आदि को प्रमुखता दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन दोपहर होने से लगभग 24 मिनट पहले प्रारंभ हो जाता है और मध्याह्न के 24 मिनट बाद समाप्त होता है। जैसे अगर सूर्योदय ठीक 6 बजे होता है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से ठीक 24 मिनट पहले प्रारंभ होगा और दोपहर 12:24 पर समाप्त हो जाएगा। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहते हैं तब अभिजीत मुहूर्त की बेला होती है। अभिजीत मुहूर्त का समय प्रत्येक दिन सूर्योदय के अनुसार बदलता रहता है। कहा जाता है कि यदि किसी शुभ कार्य के लिए कोई शुभ लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप उस शुभ कार्य को अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। समस्त दोषों का नाश कर शुभ फल प्रदान करने वाला ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ कार्य अभिजीत मुहूर्त में भी वर्जित बताए गए हैं। जैसे कि ज्योतिष के अनुसार इस मुहूर्त में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नमस्कार।